एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, ये माइक अपने तरफ बिठाइए और ये बताइए आपको कैसा लग रहा है कि हम पत्रकार अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, ढोड़ी चटना गाने का विरोध कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, विरोध तो एकदम सही है, विरोध आखिर नहीं होगा तो भाई इतना गंदा गाना और जो मार्केट में रिस्पांस मिल रहा है उस गंदे गाने को बाइकॉट नहीं करेंगे तो और भोजपुरी इंडस्ट्री। देखिए, कहने का मतलब है ना ज्योति जी, कहने का मतलब ये है कि देखिए विरोध उस तरीके से नहीं होना चाहिए कि उस सिंगर को इकोनॉमिकली फायदा हो जाए। देखिए कैसे हम लोग के विरोध से उसको इकोनॉमिकली फायदा हो गया है कि वो गर्व से पोस्ट कर रहा है कि हमने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो खरीदा है और देवरा 2 फिर से बनाएंगे, यानी उसको गर्व इकोनॉमिकली फायदा से। एक बात मैं और पूछूंगी, जो वीडियो है ढोड़ी चटना बा, बार बार मैं इस शब्द को लेके खुद भी शर्मिंदा हूँ क्योंकि वो शब्द ही वही है कि मैं ले लूंगी नहीं तो आप समझेंगे नहीं। वो जो शब्द है, शब्द के साथ जो वीडियो में दिखाया गया है चाटते वक्त, कई सारे लोग उसको अपने इंट्रो में लगाए भी हैं, जूम करके एकदम, इनफैक्ट मैंने भी लगाया है, आपने भी लगाया, जीभ लगा के चाट रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं, तो ये बताइए इसमें और जो आउट ऑफ कंट्री का वीडियोस बनता है, नाम भी नहीं लोगे आप समझ गए, उसमें कितना फर्क रह गया है भोजपुरी इंडस्ट्री के इन सारे वीडियोस में और उसमें, आप बताइए। जैसी दशा है इस गाने में लग रहा है कि पूर्ण हब बन जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री। बस मुझे बहुत खुश से बिल्कुल भी कम नहीं है। पकड़िए आप अपना बिल्कुल। तो ये चर्चा हुई उस गाने पे जिस गाने पे विरोध हो रहा है, कलाकार हम सारे पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए हमने कोशिश किए हैं कि इस विषय में बात करें और थोड़ी सी समझाने की कोशिश करें ताकि जो ऑडियंस गुमराह हो रहे हैं गुमराह ना हो। तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।